आजकल कम उम्र के बच्चों में इतनी ज्यादा कमर दर्द की समस्याएं क्यों हो रही हैं? क्या कारण है कि आजकल 16 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे 24, 25, 30 साल में इस तरह की कमर की समस्याएं आ रही हैं? मेरा नाम डॉक्टर देवशीष शर्मा है और मैं एक रीढ़ की हड्डी का विशेषज्ञ हूँ। मैं कई अभिभावकों से मिलता हूँ, कई पेरेंट्स से, रिलेटिव से मिलता हूँ और वो कहते हैं कि सर हम तो 60 के हो गए, 70 के हो गए, अभी तक ये दिक्कत नहीं आई, पर ये जो मेरे बच्चे हैं या बच्ची है इसको स्लिप डिस्क क्यों हो गया है? तो देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आई एम श्योर कुछ उसमें से आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हम सब पे थोड़ा नजर करें। मुझे ऐसा लगता है कई सारी बातें ऐसी हैं जो इनमें से हमारे कंट्रोल में हैं, जिनको हम आज भी चाहें तो बदल सकते हैं। हालांकि जमाना बदला है, लाइफ टाइम बदला है। पुराने जमाने में हेल्थ शायद बेटर होती थी, आजकल के जमाने में फास्ट पेस्ड लाइफ स्टाइल की वजह से हेल्थ में फर्क आने लगा है। बट फिर भी हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारी हेल्थ, स्पाइन की हेल्थ, जॉइंट्स की हेल्थ और ओवरऑल ऑल हेल्थ जो है वो बेटर हो, इस पे थोड़ा विचार करते हैं आज। तो देखिए, एक मेजर कारण किसी भी चीज के फेल होने का ये हो सकता है कि उसकी पूरी तरह से एक्सरसाइज ना हो। आप ऐसे मानिए कि किसी गाड़ी को अगर आप नहीं चलाएं, नई की नई लाके खड़ी कर दें और एक दो साल तक अगर वो खड़ी रहे और फिर आप उसको स्टार्ट करें तो वो दिक्कत होगी, उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो रेगुलर एक्सरसाइज या रेगुलर वर्क बड़ा एसेंशियल है बॉडी के लिए भी। इसलिए कई सारी चीजों में आप देखते हैं, कई सारे हेल्थ रिकमेंडेशन में रेगुलर एक्सरसाइज होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है एक्सरसाइज से रिलेटेड कि सर हमें टाइम नहीं मिलता या हम बहुत बिजी रहते हैं और एक्सरसाइज के लिए जिम जाने का टाइम नहीं है या फिर हमारी लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, इट्स डिफिकल्ट टू अरेंज दैट काइंड ऑफ टाइम। एक्सरसाइज स्पाइन के अगर मैं उपलक्ष्य में बात करूं तो मेनली स्पाइन के लिए जो एक्सरसाइज होती है वो होती है फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो की जाती है लंबर स्पाइन के लिए। तो अगर आपकी स्पाइन एब्सोल्युटली हेल्दी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, मतलब आगे झुकने वाली और पीछे जाने वाली दोनों एक्सरसाइजेस को रेगुलरली करें। इसके लिए अगर इनिशियली जरूरत हो तो किसी ट्रेंड थेरेपिस्ट या फिर एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट की राय ले सकते हैं। बहुत अच्छा होगा अगर आप किसी योगा ट्रेनर से, जो कि सर्टिफाइड योगा ट्रेनर है, उससे बात करेंगे, क्योंकि योगा की एक बड़ी ब्यूटी है कि योगा में 80% एक्सरसाइजेस जो है वो उन्हीं पार्ट्स पे फोकस करती हैं जो एजिंग में खराब होते हैं, जैसे हमारे स्पाइन, जैसे हमारे जॉइंट्स, जैसे हमारी नेक, जैसे बैलेंस। तो योगा जानबूझ के इस तरह से डिजाइन हुआ, और योगा आज का नहीं है, वो कम से कम 5-10 हज़ार साल पुरानी चीज है। योगा इस तरह से डिजाइन किया गया कि उसमें उन्हीं बॉडी पार्ट्स पे काम किया गया जो जनरली खराब होने लगते हैं। तो अगर आप रेगुलरली आसन करेंगे, योगा से मेरा मतलब स्पेसिफिकली आसन है, और किसी ट्रेंड थेरेपिस्ट या ट्रेंड योगा ट्रेनर के अंडर रहकर करेंगे तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आप सही तरह से आसन करना सीखें या एक्सरसाइज करना सीखें और स्ट्रेचिंग सीखें। और अगर वो स्ट्रेचिंग आपकी स्पाइन के लिए होती रहेगी तो आप बहुत ज्यादा हेल्दी लाइफ स्टाइल बिता पाएंगे। ये एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये सब बातें तब काम की हैं जब आपको ये प्रॉब्लम नहीं हुई है और आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं। अगर आपको ऑलरेडी स्लिप डिस्क या ये प्रॉब्लम हो गई है तो ये वीडियो शायद आपके कम काम का हो, क्योंकि मैं प्रिवेंटिव मेजर्स की बात कर रहा हूँ, रोकथाम की बात कर रहा हूँ, ना कि क्योर की बात कर रहा हूँ। आज क्योर के लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, अगर आपको स्लिप डिस्क है तो क्या करना चाहिए, कैसे करना। अगर आपको स्लिप डिस्क नहीं है और आप बचना चाहते हैं तो ये वीडियो गुड एग्जाम्पल हो सकता है, या आपके घर में किसी को है और आप अपने आप को सेव करना चाहते हैं तो क्या हमें करना चाहिए। तो एक बात जैसे मैंने बताई कि आप किसी ट्रेंड योगा टीचर के साथ मिलके या किसी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनर के साथ मिलके अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करें। स्पाइन के लिए हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हैमस्ट्रिंग ढीली होगी तो स्पाइन इंजरीज, ये देखा गया है स्टडीज में, कि कम होती है। बाकी ट्विस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है, स्पाइनल एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है, और हाँ स्पाइनल फ्लेक्शन भी इंपॉर्टेंट है अगर स्पाइन हेल्दी है तो। अगर स्पाइन हेल्दी नहीं है और ब्रेक कर रही है तो स्पाइन फ्लेक्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात पे चलते हैं, ये हो गई एक्सरसाइज की बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है किस तरह से स्पाइन से लोड लिया जा रहा है। हमारी जो स्पाइन है वो कंटिन्यूअस सिटिंग के लिए नहीं बनी। अगर आप कंटिन्यूअसली एक ही पोजीशन में बैठे रहेंगे तो हाई चांसेस हैं कि स्पाइन को
अनकंफर्टेबल लगने लगे, क्योंकि एक ही पोजीशन में एक ही जगह स्पाइन पे लोड पड़ता रहेगा और जो स्पाइन का मूवमेंट है वो नहीं होगा। तो मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हैं, जो एक ही सिटिंग जॉब करते हैं, उनका स्पेसिफिक रूटीन है 8 से 10 घंटे लैपटॉप के सामने 10 साल से। ऐसे केस में बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है स्पाइन में धीरे धीरे बैक पेन आना, डिस्क का डिजेनरेट होना, डिहाइड्रेट होना, या फिर डिस्क काली पड़ जाना जिससे बैक पेन होना। बहुत हाई पॉसिबिलिटीज होती है कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज को। और मैं जैसा बता रहा हूं, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मैंने बताया सिटिंग जॉब अगर आपकी है तो आपको इंश्योर करना है कि आप एक्सरसाइजेस करें रेगुलरली और फ्रीक्वेंट ब्रेक लेने की कोशिश करें। आप कोशिश करें कि आपकी जो लंबी जॉब है उसमें आपको आधे घंटे में ब्रेक मिले, फिर आप स्ट्रेच करें और फिर वापस आके बैठ के काम कर लें। ये एक और इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है खान पान। देखिए, एक तो प्रॉब्लम है कि अच्छे खाने में हम लोग ध्यान नहीं रखते। हम लोग जनरली जो खाना खा रहे होते हैं वो काफी स्टेल और पुराना होता है। आउट ऑफ इंडिया की बात करते हो, जब आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो तो ज्यादातर खाना जो आपको सर्व होता है वो काफी पुराना होता है, जैसे कि बर्गर्स, पैटीज, ये बहुत दिन से रखी हुई चीजें होती हैं। फ्रेश फूड की बहुत इंपॉर्टेंस है, और फ्रेश फूड के अलावा हेल्दी फूड जो लोकली अवेलेबल है उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। हालांकि फूड पे पूरा एक डिटेल्ड वीडियो हो सकता है, लेकिन मैं शॉर्ट में कुछ टॉपिक्स को कवर करता हूँ इस वीडियो में। क्या फ्रेश फ्रूट्स ले रहे हैं डेली डाइट में? क्या आप डाइट रेगुलेटेड ले रहे हैं? और सब जितना इंपॉर्टेंट फूड का इंसर्शन है, उतना ही फूड का एक्सक्रीशन है। क्या आप कॉन्स्टिपेटेड हैं? अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो आप बहुत अनकंफर्टेबल होंगे, और दैट इज अगेन टाइम्स अ रीजन फॉर स्लिप डिस्क। अगर आपकी स्लिप डिस्क है तो वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से वर्सन हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन एक तरह से एनिमी है बॉडी में बहुत सारी बीमारियों का, और स्लिप डिस्क वर्सनिंग भी कभी कभी कॉन्स्टिपेशन पेशेंट्स में होती है। अगर आपका ब्लैडर बॉबल क्लियर नहीं है और आपका जो खाना है वो बहुत फाइबरस नहीं है, अगर आप तब वेजिटेबल्स कम खाते हैं, अगर आपका मीट पोर्शन इंटेक ज्यादा है, चांसेस हैं कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम प्रीडिस्पोज होने का रिस्क बढ़ता है। तीसरी बात है सबसे इंपॉर्टेंट, ओवरवेट होना और अनकंट्रोल्ड डाइट होना। अब एक तो आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान नहीं रखते, और उसके बाद आपका ओवरवेट है। अगर आप ओवरवेट हैं तो स्पाइन पे एक्सट्रीम लोड पड़ेगा। अगर आप हमारे ह्यूमन बॉडी के स्केलेटन को देखें तो जो वेट बियरिंग एक्सेस है उसमें ऊपरी धड़ और निचली बॉडी के बीच में सिर्फ स्पाइनल बोन है, और वो भी एक स्ट्रॉन्ग बोन नहीं है, वो भी एक बॉक्सेस ऑफ बोन्स हैं जो वेट को नीचे ट्रांसफर कर रही हैं। तो कोई सॉलिड बोन है ही नहीं, बॉक्सेस ऑफ जो बोन्स हैं, इसका काम पूरा वेट ट्रांसमिशन भी है, सारी नर्व्स को ले जाना भी है, और बॉडी का मूवमेंट करना भी है, और मूवमेंट एक डायरेक्शन में नहीं, चारों डायरेक्शन में होता है। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी नायाब चीज बनाई गई है, इसमें मैसिव इंजीनियरिंग पुट इन करी है ऊपर वाले ने, बट इसके साथ आते हैं कॉम्प्रोमाइज। अगर इस पे ओवरलोड पड़ा, अगर इसकी एक्सरसाइज नहीं हुई, इसका जो मैकेनिक्स है या इसकी जो फिजिक्स है वो फेल होने लगती है। वेट बियरिंग फेल होगी तो बैक पेन होगा, नर्व अगर ढंग से नहीं जा पाएंगी तो लेग पेन होगा, और अगर पेशेंट को लॉन्ग टर्म सिटिंग या लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग में धीरे धीरे दिक्कतें आ सकती हैं। ये सारी बातें जो मैंने बताई, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं। इसके बाद कई यंग बच्चों में इम्पैक्ट स्पोर्ट्स या झटकेदार स्पोर्ट्स खेलने की वजह से ये दिक्कतें आने लगी हैं। जिस तरह के स्पोर्ट्स आज से 10, 20 साल, 30 साल पहले प्रचलित नहीं थे, उस स्पोर्ट्स में या बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी या ओवरवेट बियरिंग से भी इस तरह की चीजें होती हैं। तो कई पेशेंट्स में मैंने देखा है कि अगर कोई इम्पैक्ट है या कोई झटकेदार एक्टिविटी है या बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग हो रही है या रेगुलर जिमिंग हो रही है जिसमें कि बहुत हैवी वेट उठ रहा है, उससे भी कई पेशेंट्स को स्लिप डिस्क हो सकती है। जिमिंग में मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा डेडलिफ्ट का। डेडलिफ्ट स्पाइन के लिए सबसे खराब एक्सरसाइज है अगर आप गलत कर रहे हैं तो, या आप ओवरवेट से कर रहे हैं। आपकी जो कैपेसिटी है डेडलिफ्ट में, आइडियली स्पाइन सर्जन की एडवाइस अगर माने तो एग्जैक्ट उसका आधा वेट आपको उठाना है। अगर आप कैपेसिटी है 50 से डेडलिफ्ट करनी है तो आपको 25 से करनी है, और वेट बेल्ट बहुत टाइट बांधनी है और एग्जैक्ट प्रोसीजर से करनी है, क्योंकि डेडलिफ्ट कभी कभी करने से सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको स्लिप डिस्क हो जाए, और वो लॉन्ग टर्म परेशानी दे सकती है। तो जैसा मैंने बताया, लाइफस्टाइल हो गई, खान पान हो गया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आप रेगुलरली क्या टॉक्सिक पदार्थ कंज्यूम करते हो, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग या अल्कोहल। सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल जो लोग कंज्यूम करते हैं उनके चांसेस ऑफ डिस्क डिजेनरेशन बढ़ जाता है, क्योंकि अल्कोहल जो है वो बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, और स्पाइन भी डिहाइड्रेट जब होती है तो धीरे धीरे स्लिप डिस्क होती है। हालांकि ये कई स्टडीज में पाया गया है कि इसका कोरिलेशन है, और कई स्टडीज में ये पाया गया है कि ये डिबेटेबल है, लेकिन स्मोकिंग के केस में तो कंफर्म्ड
साइंटिफिक एविडेंस है कि जो लोग स्मोक करते हैं उनको स्लिप डिस्क होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और उनको स्लिप डिस्क काफी चांसेस होते हैं कि उनको हो। तो स्मोकिंग इज अ वेरी वेरी बैड थिंग एज फार एज योर स्पाइन इज कंसर्न्ड। तो ये सारे कारण हैं जो आज की जनरेशन में जल्दी स्लिप डिस्क ले आते हैं, प्रॉब्लम्स को एग्जैसरबेट करते हैं। तो अगर हम ध्यान रखें, एक अच्छी एक्टिव लाइफस्टाइल जिए जिसमें कि हम थोड़ी बहुत ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग या कार्डियो करते हो, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करते हो, चाहे वो योगा के फॉर्म में हो, चाहे फ्लेक्सिबिलिटी के फॉर्म में हो, चाहे पिलाटस के फॉर्म में हो जो कि सुपरवाइज्ड हो। अगर हम खाने पे ध्यान रख रहे हैं कि हमारा वो खाना काफी सात्विक, प्योर और फ्रेश है, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेश खाना, और हमारा खाने में वेजिटेबल्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू मीट पोर्शंस, तो चांसेस है कि आप हेल्दी रहेंगे। और वेट कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं आशा करता हूँ आपको आइडिया लगा होगा कि क्या काम करके हम स्लिप डिस्क की या बैक पेन की बीमारी है उससे बच सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बचना चाहते हैं, जो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं उनके लिए नहीं, उनके लिए उनको ऑलरेडी क्या करना है उनके लिए पूरे प्रोटोकॉल्स अलग है, उनके लिए इलाज अलग है, उनके लिए ट्रीटमेंट अलग है। तो वो ऐसा ना करें कि सूर्य नमस्कार ट्राई करें स्लिप डिस्क होने के बाद तो वो और वर्स हो जाएगा। ऐसे ही समझिए, मैं बहुत कॉमन एग्जांपल अपने पेशेंट को देता हूं कि अगर एक टूटी हुई गाड़ी को तेज चलाओगे तो वो और टूटेगी, ना कि वो ठीक होगी। अगर आपको स्लिप डिस्क या बैक पेन हो गया है तो ये एडवाइस आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो फिट है और वो फिट रहना चाहते हैं। तो आपको अगर स्लिप डिस्क है तो आप मेरे दूसरे वीडियोस को सर्च कर सकते हैं, पर्सनली किसी स्पाइन स्पेशलिस्ट से, स्पाइन डॉक्टर से, फिजियोथेरेपिस्ट से, कायरोप्रैक्टर से मिल सकते हैं। वो सही जानकारी आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में आपको देंगे और सही इलाज की तरफ आपको अग्रसर करेंगे। दोस्तों, अगर लगता है इस वीडियो से कोई भी मदद हो रही है तो मेरी हौसला अफजाई करने के लिए और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए एक लाइक बनता है और एक छोटा सा सब्सक्राइब भी बनता है। थैंक यू वेरी मच।